सिंघु बॉर्डर पर लगातार यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। देख सकते हैं किस तरीके से कटीले तारों को जो है वेल्डिंग के जरिए इन पर जोड़ा जा रहा है ताकि किसान जो है वो दिल्ली में एंट्री ना कर सके। फिलहाल बताया जा रहा है कि दिल्ली में धारा 144 भी लागू कर दी गई है और अब देख सकते हैं सामने बड़े बड़े कंटेनर जो है उनको भी लगा दिया गया और इन कंटेनर के अंदर मिट्टी भी जो है वो अंदर भर दी गई है ताकि कोई भी किसान अगर ट्रैक्टर लेकर इन कंटेनरों को खींचने की कोशिश करता है तो वो खिंचाई ना हो सके। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं किस तरीके से लाइव तस्वीरें मैं आपको दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर तैनात की गई है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी तक दिल्ली में जो एंट्री है वो थोड़ी बहुत लगभग एक एक करके वाहनों की चेकिंग करके जो है वो अभी एंट्री दी जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि रात के समय में शायद इस एंट्री को भी जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल दोनों तरफ के अगर रस्तों की बात करें तो दोनों तरफ के रस्ते आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ लगातार जो है वो पत्थरों की बैरिकेटिंग यहाँ पर की जा रही है। देखिए ट्रकों में किस तरीके से भर भर कर जो है वो पत्थर की बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाई जा रही है। दोनों तरफ भारी पुलिस फोर्स तैनात है, पैरामिलिट्री बताया जा रहा है कि यहाँ पर लगातार जो है वो किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश ना करे इसी को लेकर लगातार दो दिन से दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पर तैनाती की जा रही है। और ये तस्वीरें मैं आपको नीचे से दिखा रहा हूँ, ये देखिए सिंघु बॉर्डर के नीचे की ये तस्वीरें हैं, जो पुल के नीचे की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो वेल्डिंग के जरिए लोहे के तारों को यहाँ पर वेल्ड किया जा रहा है ताकि कोई भी किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश ना करे। और पत्थरों को भी ये देखिए पत्थरों को लोहे के सरियों से जकड़ दिया गया है ताकि एक एक करके पत्थरों को ना हटाया जा सके। ये देखिए मैं कैमरामैन को बोलूंगा जूम करके तस्वीरें दिखाई, देखिए किस तरीके से पत्थरों को जो है वो लोहे के सरियों के द्वारा यहाँ पर जकड़ दिया गया है। एक बार पूरी तस्वीरें एक बार लंबी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लंबी तस्वीरें देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी तैयारियां जो है वो दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर यहाँ पर की जा रही है। देखिए लगातार जो है जेसीबी के द्वारा बड़े बड़े पत्थरों के बैरिकेटिंग लगाए जा रहे हैं। ये देखिए फिलहाल ये पहले तस्वीरें ये तस्वीरें देखिए पहले आप कि किस तरीके से हाइड्रा मशीन के द्वारा जो है वो लगातार पत्थरों की यहाँ पर बैरिकेटिंग की जा रही है। अभी भी लगभग आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ना जाने कितनी लेयर जो है वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा लगा दी गई है ताकि कोई भी किसान अगर ट्रैक्टर लेकर अंदर घुसने की कोशिश करता है तो वो ना घुस पाए। तो आप फिलहाल देख सकते हैं तैयारियां जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रॉपर तरीके से मजबूत तैयारियां यहां पर की जा रही है, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि किस तरीके से किसान जब दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद एक के बाद जो लोहे के सरिये हैं, लोहे की बैरिकेटिंग है, बड़े बड़े कंटेनर हैं, उन सभी को जो है वो लगातार यहाँ पर लगाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं किस तरीके से भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। बताया जा रहा है कि रात के समय में जो है वो पूरी तरीके से इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, बिल्कुल आवाजाही को बंद कर दिया जाएगा, कोई भी किसानों को अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। अभी भी फिलहाल जो है एक एक करके ही गाड़ी को अंदर जाने दिया जा रहा है जिसकी वजह से काफी लंबा जाम भी लग चुका है। ये देखिए लगातार ये तस्वीरें दिखा, दूसरे रोड की और तस्वीरें मैं आप लोगों तक दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए फिलहाल दिल्ली पुलिस के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और तमाम प्रकार का यहाँ पर जायजा लिया जा रहा है। ये देखिए ये दूसरा रोड है जो दिल्ली से हरियाणा की तरफ आता है। एक ये रोड मैं आपने पहले दिखाया था, ये हरियाणा से दिल्ली की तरफ जाता है और ये दिल्ली से हरियाणा की तरफ आ रहा है। और फिलहाल यहाँ पर प्रबंध देखे किस तरीके से पुलिस फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है। गाड़ियों का लंबा जाम देखिए, गाड़ियों का लंबा जाम यहाँ पर लग चुका है। जितने भी दर्शक खबर को देख रहे हैं खबर को शेयर अवश्य कीजिएगा। और यहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर के जरिए जो है वो पत्थरों को यहाँ पर लाया जा रहा है, देख सकते हैं लोहे के तारों को यहाँ पर भी लगाया जाएगा। ये सिंघु बॉर्डर का पुल है और पुल के ऊपर की ही तस्वीरें हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो है वो अर्धसैनिक बलों की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। ये देख सकते हैं अर्धसैनिक बलों की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है, बड़े बड़े कंटेनरों को यहाँ पर मंगा लिया गया है ताकि उनमें मिट्टी भरकर उनको जो है वो किसान ट्रैक्टर से लगाकर ना खींच सके। देख सकते हैं किस तरीके से जो है लगातार पत्थरों को यहाँ पर रखा जा रहा है ताकि किसान अंदर एंट्री ना कर सके। आपने 2021 में भी देखा होगा कि कितनी ना जाने कितने पत्थर की लेयर लगाई गई थी, ना जाने कितने जो है
वो लोहे की ग्रीले लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी किसान जो है वो अपने ट्रैक्टरों से उन सभी लेयरों को तोड़ते हुए चले गए और सीधा दिल्ली की तरफ कूच कर लिया। लेकिन अब की बार ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा लगातार यहाँ पर जो है वह पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। माइक देखिए, ये माइक जरूर यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि सभी को इसके जरिए सूचना दी जा सके। कैमरे यहाँ पर लगा दिए गए, सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगा दिए गए हैं ताकि सभी पर पैनी नजर जो है वो दिल्ली पुलिस की बनी रहे। ये लाइव तस्वीरों के जरिए हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो दिल्ली पुलिस दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर लगातार पुख्ता तैयारियां यहां पर करती हुई नजर आ रही है। अर्धसैनिक बलों की पूरी टीम आपको नजर आएगी कि किस तरीके से हर अर्धसैनिक बल के, आप देख सकते हैं हर टीम में आंसू गैस के जो गोले होते हैं उनको भी यहाँ पर मंगा के रख लिया गया है। फिलहाल लाइव तस्वीरों के जरिए हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसके बाद की एक तस्वीर मैं आपको एक दूसरे इलाके की भी तस्वीर दिखाऊंगा। एक बार आ जाइए, एक बार। ये दिल्ली से हरियाणा की तरफ आने वाला रास्ता है और यहाँ पर भी जो है वो बैरिकेटिंग आप देख सकते हैं, पत्थरों की, पूरी तरीके से पत्थरों की बैरिकेटिंग यहाँ पर है। नीचे से दिल्ली जो हरियाणा से दिल्ली की तरफ जाता है, जो नीचे ये पुल का एरिया दिखा रहा हूँ, नीचे से मैं है। एक बार यहाँ पर भी बिल्कुल पूरी तरीके से जो है वो पत्थरों की लेयर यहाँ पर लगा दी गई है। ये पीछे आप पीछे देखेंगे ना, बिल्कुल पत्थरों की लेयर जो है वो वहां पर लगा दी गई और वहां नीचे का जो रास्ता है वो बिल्कुल पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी जो दिल्ली में है वो धारा 144 तो लागू कर ही दी गई है। ये देखिए, ये कटीले जो तार होते हैं, कटीले तारों को यहाँ पर मंगा लिया गया है और इसके ऊपर भी जो है वो कटीले तार लगाए जाएंगे। ऊपर देखिए किस तरीके से हाइड्रा मशीनों के द्वारा लगातार पत्थरों की लेयर पे लेयर बनाई जा रही है। लगभग 6 से 7 लेयर तो अभी तक तैयार कर ली गई है और ऐसा लग रहा है रात के समय में इसको पूरी तरीके से जो है वो बंद कर दिया जाएगा और आवाजाही वाहनों की बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। फिलहाल ट्रैफिक के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है कि कल आप दिल्ली में आने और जाने से दोनों से बचे, ना तो आप दिल्ली में आ सकते हैं और दिल्ली से जाने के लिए भी बचे जो है वो पूरी एडवाइजरी आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो है वो दिल्ली पुलिस के पुख्ता प्रबंध यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अर्धसैनिक बलों की टीम यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है जिसकी सारी तस्वीरें हम आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। फिलहाल अभी तक एक एक गाड़ी को जो है वो चेक किया जा रहा है, चेक करने के बाद इनको आने जाने की अनुमति फिलहाल दी जा रही है। लेकिन कल जो है वो बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। हालांकि नीचे के जो रोड है उनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और अब ऊपर की भी ये तैयारियां जो है वो अभी शुरू कर दी गई। आगे देख सकते हैं लोहे की जो बैरिकेटिंग है उनको भी जो है वो यहाँ पर लगा दिया गया। दूसरे रोड की भी तस्वीरें हम आप लोगों तक दिखाएंगे कि किस तरीके से ये दूसरे रोड की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि दूसरे रोड पे भी लगातार ये देखिए एक एक करके ही गाड़ियों को जो है वो अंदर एंट्री की जा रही है। अर्धसैनिक बलों की पूरी टीम यहां पर गठित की गई है, जितने भी अर्धसैनिक बल आप देख सकते हैं पूरी टीम एक एक टोली करके जो है उनको गठित किया गया है। लगातार हाइड्रा मशीन के द्वारा जो है वो यहाँ पर बैरिकेटिंग की जा रही है। नीचे की एक बार लास्ट बार और मैं आपको तस्वीरें दिखा मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि नीचे की ये देखिए, ये नीचे की जो तस्वीरें हैं मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि किस तरीके से कितनी लेयर जो है वो पत्थरों की यहां पर कर दी गई है। देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऊपर से लोहे की ग्रीलों की जो ये आप लेयर देख सकते हो। आगे चल के कंटेनर की जो है वो ग्रील आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरी लेयर जो है वो बना दी गई है। ये ताजा हालात हम आप लोगों को लाइव दिल्ली समाचार टीवी के जरिए पहुंचा रहे हैं। तो अगर आप लोग दिल्ली में आना या जाना चाह रहे हो तो कृपया करके आप अपने घर पर ही रहिए, क्योंकि दिल्ली में अब जो है वो बिल्कुल एंट्री लगभग जो है वो रात के समय या कल के समय बंद कर दी जाएगी। तो आप अपने घर पर ही रहिए। ट्रैफिक एडवाइजरी भी दी गई है कि आप दिल्ली में आने से कल जो है वो बचे ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए एडवाइजरी यहां पर जारी की गई है। देखते रहिए सोनू के साथ में सनी तुसी दिल्ली समाचार।